निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूँ एक और वीडियो के साथ और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सढौरा रेस्ट हाउस से, जहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायक ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। दरअसल जो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत सढौरा विधानसभा से मिले हैं, लगभग 40,055 वोट की जो लीड कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से हासिल की है, वो उत्साह एक देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी में, उसी को लेकर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। तो चलिए क्या कुछ बातचीत होती है वो हम आपको सुनाते हैं। यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबको इलेक्शन की जो आपने बहुत कड़ी मेहनत के बाद और ऋषिपाल जी चेयरमैन साहब और पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, मैं आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ जो आप लोगों ने जी तोड़ मेहनत करी है इसके लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आपने इतनी अच्छी लीड यहाँ से दिलवाकर विधायक श्रीमती रेणुबाला जी का भी कद एक बुलंद हो रहा है। चेयरमैन मोदी जी, दादी जी बैठे हैं, विभिन्न हमारी बहन रेखा कश्यप जी बैठी हैं, विभिन्न गाँव के हमारे सरपंच साहबान, पंच साहबान, सरदार और दूसरे सभी मौजूद लोग थे और हमारे पूरे हल्का फलोरा से कहीं से भी हैं, दूसरे के कुछ चेहरे दिखे यहाँ पे, सभी आप यहाँ पे पहुँचे। इस मीटिंग में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। कांग्रेस परिवार के सभी साथीगण, नेतागण, सभी जो अपना आज काम का टाइम अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पहुंचे, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन के मन में संस्था थी, जैसे वो बोलते हुए उसके साथ जो 10 लोग हैं वो भी बोलते हुए कि आने वाले टाइम में मैडम को टिकट नहीं मिलेगा, टिकट हमारा है, हमारे को मिलेगा। पर देखिए आप लोगों ने जो ताकत दिखाई है, आप लोगों ने जो मिन्त की है, मैडम की मिन्त और आप लोगों का प्रयास, वो ये रंग लाया कि जो 40,000 वोट की लीड आप लोगों ने दी वो मैडम को बहुत ऊपर उठाने का काम करेगी। और जो लोग ये दावा करते हैं वो बिल्कुल और चाहे वो चाहे जो मर्जी अपनी राजनीति चमकाने। 40,000 तो मैं यही चाहती हूँ अपने भाइयों से कि आप सभी ने इतनी मेहनत करी और उसका रिजल्ट भी हमें सढौरा विधानसभा में देखने को मिला। संजय जी और भी आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ के हाथ तो यहाँ पूरी वो क्रीम बैठी है जिन्होंने इस इलेक्शन में दिन रात मेहनत की। और जैसे रेणुबाला जी कहती है कि हमारे हलके में सबसे ज़्यादा लीड होनी चाहिए, वो एक छोटे से वर्ग की मेहनत है, चलो नेता की तो होती है। और अभी बार हमने देखा पब्लिक के अंदर भी जोश था, जब रेणुबाला जी और भाई इंजीनियर ऋषिपाल जी और अन्य सभी साथियों का धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से आप सभी को जो है लोकसभा की जीत की बधाई देता हूँ। हम सब ने उसमें जो है मिलकर मेहनत की। संदीप सैनी जी, सैनी से न्यू साहब अक्कर जी, बाकी सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर इस मीटिंग में पहुंचे हैं, बहुत हम सभी का स्वागत धन्यवाद। यहाँ पे अपने सढौरा रेस्ट हाउस में जो मीटिंग बुलाई गई है और हमारे हल्के की विधायक श्रीमती रेणुबाला जी और सभी का नाम न लेते नाम मैं सभी का जानता हूँ, सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे जो हमारे रीड केयर टी का काम करते हैं और पूरे कर्मठ कार्यकर्ता है जो मेन जो की वोटर जो होते हैं वो उनमें से हमारे सभी भाई यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी जो बम्पर जीत आप लोगों के दम पे हमने यहाँ से हासिल की है, उसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सढौरा रेस्ट हाउस में हमारे बीच चेयरमैन रहे हमारे जिला परिषद के भाई अनिल संधू जी, हमारे ब्लॉक के चेयरमैन आदरणीय सही राम जी, हमारे किसान नेता भाई संजीव जी, हमारे एमसी का चुनाव यहाँ से लड़े चेयरमैन का भाई अंकित जी और सभी यहाँ मौजूदा सरपंच साहबान, एक्स सरपंच,
और सभी हमारी कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण ओके की आन बान शान मेरे सभी साथी हमारे सडोरा के हीरे मोती जवाहरात मैं आप सब लोगों को कहूंगी यहाँ पहुँचने पर आप सबका मैं अपनी ओर से बधाई देती हूँ, आप सबको अभिनंदन भी करती हूँ, स्वागत भी करती हूँ। सारा श्रेय मैडम को जाता है, हर विधानसभा में मैडम ने इस हॉस्पिटल की आवाज उठाई है। हाँ लगवाएंगे जी, और मतलब जल्दी इसका काम स्टार्ट होगा, इसका टेंडर हो चुका है। हाँ जी हॉस्पिटल का ये मेरे पास डिटेल है उसकी, हॉस्पिटल की टेंडर की, और इसका जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा। चाहे की सड़कें हो, चाहे वो घाट क्षेत्र की हो या मुस्तावाद ब्लॉक की हो या बिलासपुर ब्लॉक की हो, जिनमें कुछ सड़कें हमारी बन गई हैं, आप सभी देख रहे हैं कि जिन सड़कों का बुरा हाल था वो सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं, और जो कुछ रह गई हैं वो उनका टेंडर लग भी चुका है, पास हो गया, उन पे काम लग जाएगा। हमारे इलेक्शन से पहले हमारी एक सड़क भी नहीं रहेगी। सर एक लिस्ट बना दो सब काम है, जी हमारे पास है सारे, दूसरों ये सडोरा का हॉस्पिटल जब से मैं विधानसभा सेशन में गई वहाँ पे हर बार मैंने ये मुद्दा उठाया और सीएम को चेताने का काम किया कि आप वहाँ 2016 में अनाउंस करके आए थे कि कम से कम वो अपनी अनाउंसमेंट जो है वो पूरी कर दो, तो कहते हैं कि एक कान में सुन के दूसरे कान में निकाल देते हैं, लेकिन सीएम ने जाते जाते ये काम हमारा कर दिया, क्योंकि दूसरा सीएम बन गया उससे बनने से पहले वो काम हमारा कर दिया। 45 करोड़ की सड़कों के टेंडर लगवा के गए हमारे, लास्ट में 2-3 को बोला, 3 को साइन कर दिया। थाना छप्पर का पुल है जी, वो थाना छप्पर पुल हमने मंजूर करवाया ताकि वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था, 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ, उसकी कटिंग में सेशन में लेके गई और वहाँ पे सीएम को बताया कि ये रोजमर्रा के एक्सीडेंट होते हैं जहाँ पे जान माल का नुकसान होता है, तो वो पुल की मंजूरी करवाई, इस पे काम लगा हुआ है। रही बात घाट क्षेत्र के पुलों की, कुछ लोग आते हैं जी लोगों को बैठा के इकट्ठे करके ये दिखा देते हैं कि हम देखो काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो काम ऐसा नहीं होगा। घाट क्षेत्र के जो पुलों का काम था, सबसे पहले आप व्हाट्सएप खोल के देखे, फेसबुक पे देखे, जो मेरा पहला विधानसभा का सेशन था, चाहे वो मध्यपुर, जैतपुर, नगला और इधर के जितने भी पुल थे घाट क्षेत्र के, वो पुलों की आवाज मैंने उठाई, लेकिन एक पुल जो जैतपुर वाली नदी का पुल था वो मंजूर भी कर दिया था दुष्यंत जी ने, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, कहते हैं ना कि भाई यहाँ एमएलए का नाम ना हो जाए, एमएलए ने काम करवाया तो वो पुल उन्होंने कैंसिल कर दिया, ये नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरी या क्या उन्होंने ऐसे काम किया कि जिसकी वजह से वो पुल मंजूर ना होने की वजह कैंसिल कर दिया। तो मेरा पूरा 100% रहता है कि मैं अपने हल्के के लिए अच्छे काम करूं, यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करवाएं। रही बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी के लिए हमने अपने हल्के में एक ऐसी इंडस्ट्री की मांग कर रखी है जिसमें हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिल सके, लेकिन आप लोगों को यही विश्वास दिलाऊंगी कि ये जो भाजपा की सरकार है इसमें वो काम ना हो सका, लेकिन हमारी आने वाली सरकार में जो कांग्रेस की आप लोगों की अपनी सरकार बनेगी, एक ऐसी इंडस्ट्री लगवाने का हम जरूर काम करेंगे जिसमें हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, साथियों को रोजगार मिल सके। और भी कई गांव में वो पानी की समस्या का भी मैटर चल रहा है, कई गांव में बिजली का भी मैटर चल रहा है, तो आए दिन मैं, बल्कि मैंने पब्लिक हेल्थ के एक्शन को और SDO को बुलाया हुआ है कि जो हमारा, चाहे वो रतौली गांव का है, चाहे अपना सुखनगरी का है, लोग ड्रामा बाज करते हैं, अभी यहाँ लोगों के साथ फोटो खिंचवा ली, बाल्टियां उठा ली, वो काम ऐसे नहीं होते ना, वो ट्यूबवेल ऐसे लगा है भाई, तो काम के थ्रू होएगा। अभी मैंने, मेरे पास हमारे रतौली गांव के आए थे, सरपंच भी आए थे और भी साथी आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे गांव में बड़ी समस्या है, मैंने एक्शन को तभी उनके सामने फोन लगाया, मैं कह इमरजेंसी यहाँ पे 2 दिन में अपना मशीन होनी चाहिए, लगनी चाहिए, तो एक्शन भी आया और उससे हम बात भी करेंगे और 2-4 दिन में जैसे भी होगा वो पानी की समस्या को भी दूर कर देंगे। लेकिन साथियों आप लोगों को जागरूक रहना है कि लोगों के बहकावे में ना आके, आप खुद लोग समझदार हैं, आप लोगों को लोग बहकाने का काम करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे, लोग तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं अभी, हाँ किसी ना किसी तरह हमारा अस्तित्व बचा रहे राजनीति में, नहीं तो लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना के अपना काम निकाल रहे हैं। लेकिन आप लोगों से ईमानदारी से यही कहूंगी कि मेरी ऐसी कोई भी मंशा नहीं है, परमात्मा का हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, उनका धन्यवाद भी करती हूँ भगवान जी का और आप सब लोगों का कि मुझे भगवान की तरफ से और आप लोगों की तरफ से ये मौका मुझे मिला आप लोगों की, अपने हल्के से दौरे की सेवा करने का,
कि उसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, चाहे सड़कों पे है, चाहे विधानसभा में है, चाहे आप लोगों के साथ कहीं भी जाना पड़े, वहाँ के लिए हम अपने हल्के की आवाज उठाने के लिए तैयार है। तो साथियों, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो दोबारा आपका आशीर्वाद मिलके विधानसभा पहुंचेंगे तो आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा काम भी करवाएंगे। और कई लोग कहते हैं कि टिकट हमारा हो गया जी, हमें यस कर दी, हमें बोल दिया, इस उसमें ना आप लोगों के उसमें ना पड़े, क्योंकि आप लोगों के बैच में आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ, दोबारा आपके साथ आऊंगी और आप लोगों के पूरे काम हम सरकार में रह के करवाऊंगी। साथियों, एक बात और कहना, धन्यवाद, इतनी बड़ी जीत हासिल हमने की 40,055 वोट के लिए, उसके लिए एक बार आभार भी व्यक्त करती हूँ। और उसके लिए अपने सभी साथियों का गांव दर गांव जाके आप लोग प्रोग्राम बनाए, ताकि जो हमारी जनता है, आप लोग तो हमें मिल लेते हैं, लेकिन जो गांव की जो जनता होती है वो पूरे लोग नहीं आ पाते, ना मिल पाते। उनका धन्यवाद दौरा करने के लिए आप लोगों से अपील करूंगी कि गांव दर गांव आप अपने प्रोग्राम भी करवाएं, ताकि अपने लोगों से मिलके हम उनका धन्यवाद करें।